नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुरेश के सोलन की। मैं डॉक्टर सुरेश के सोलन की असिस्टेंट प्रोफेसर अनन्या कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा कलोल गुजरात। किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8949651342 9461005940। लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने प्लेसेंटा पार्ट 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, अमेटिव फ्लूइड क्या है, उनकी एबनॉर्मलिटी क्या क्या हो सकती है। दोस्तों, यूट्यूब लेक्चर पे आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी कुछ पुरानी बातें रिपीट कर सकता हूँ। आपको मेरे वीडियो को, मेरे लेक्चर को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। यूट्यूब चैनल को भी लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ये मेरा तीसरा डेमो लेक्चर होगा जो पब्लिकली पब्लिश होगा। इसके बाद जो भी लेक्चर्स होंगे वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे, प्राइवेटली मैं शेयर करूँगा अपने स्टूडेंट्स के साथ में या उन स्टूडेंट्स के साथ में जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब किया है। यदि आपको आगे कंटिन्यूस नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको 300 रुपये पर मंथ और 1200 रुपये मंथ फॉर 6 मंथ आपको करना पड़ेगा। उसकी रिसिप्ट आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 9461005940 पे भेजनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा जो अकाउंट नंबर है वो है 03600110109885। अकाउंट टाइप सेविंग है, अकाउंट होल्डर सुरेश कुमार सोलन की, IFSC है, UCBA 00003600, यूको बैंक वल्लभ विद्यानगर गुजरात का अकाउंट है। दोस्तों, कुछ बात मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। अपने नोट्स जो है वो खुद बनाते रहें, रेगुलरली बनाते रहें, आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता और आई साइट के लिए भी वो अच्छा नहीं है, इसलिए अपने नोट्स जो है वो रेगुलर बनाते रहे। आपको ये लेक्चर अच्छी तरीके से सुनना है तो आपको ईयरफोन लगाना पड़ेगा ताकि कोई जो भी है सराउंडिंग वॉइस है वो आपके पास में नहीं आए। कमेंट्स और आपके सजेशंस जो है वो हमेशा स्वागत है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करूंगा और मैं आपका कमेंट्स और सजेशन का इंतजार करता रहूंगा। जल्द ही मैं आपके लिए PDA के लेक्चर्स ही इसके लिए अंदर ही लेके आ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कुछ अपने साथियों से, जल्द ही आपको PDA के लेक्चर्स मिल जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो आपको, मैं डॉक्टर सुरेश के सोलंकी, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 8949651342 9461005940, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी। दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ मेरे स्टूडेंट्स के नोट्स जो उन्होंने बना के मेरे को भेजे। अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स आपके नोट्स इस तरीके से कॉपी करके इस तरीके से बनाते हैं तो आपके आपका भी हौसला बढ़ जाता है और आप दुगुनी मेहनत से वो लेक्चर तैयार करते हैं। बड़ा मज़ा आता है जब आपके स्टूडेंट्स इस टाइप से नोट्स बनाते हैं। आप देख सकते हो डायग्राम्स कितने खूबसूरत हैं, कितनी अच्छी राइटिंग्स के साथ में ये नोट्स बनाए गए हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मेरे उन नोट्स जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाए और इससे उनका तो फ़ायदा होगा ही होगा पर मेरा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा लग रहा है मेरा लेक्चर और वो पूरा ध्यान दे रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी के साथ में। प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी क्या है, कैसे, किस तरीके से हो सकती है? वो हो सकता है कि जो उसके अलग अलग जो टाइप्स है वो है, एबनॉर्मल से हो सकता है उसका आकार के अंदर कुछ चेंजेस हो, डायमीटर उसका चेंज हो सकता है, एबनॉर्मल डायमीटर, एबनॉर्मल वेट, उसका वेट अलग हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, एबनॉर्मल पोजीशन, जनरली क्या एंट्री या पोस्टरी या फंडल, जो फंडस है वहाँ पे ये इम्प्लांट होती है, हो सकता है इसके अलावा कहीं और पे हो तो वो एबनॉर्मल उसकी पोजिशन हो जाएगी। इसके अलावा एबनॉर्मल एडिजन जो है वो हो सकते हैं, एबनॉर्मल एडिजन में इन द सेंस मसल्स के अंदर वो इम्प्लांट हो गई या कहीं और मसल्स बाहर की तरफ भी इम्प्लांट हो जाती है, बाहर की तरफ निकल के घेर के इम्प्लांट हो जाती है, तो ये सब उसमें है। सबसे पहले हम लेंगे एबनॉर्मल शेप। एबनॉर्मल शेप की यदि बात करें तो चार टाइप से ये हो सकता है, प्लेसेंटा बाइलोबेटा, प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा, प्लेसेंटा सर्कमेलेटा एंड प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा। अब इनका वन बाय वन हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने नोट्स जो है वो कंटिन्यू बनाते रहे। प्लेसेंटा बाइलोबेटा, बाइलोबेटा में क्या होता है ये, इसको आप बाइपार्टिटा भी कह सकते हैं, प्लेसेंटा डुप्लेक्स भी कह सकते हैं। क्या होगा इसमें, दो बराबर
जो इक्वली लोब्स होंगे और उनसे क्या होगा, एक सिंगल अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई होगी। अभी ये डायग्राम के अंदर आपके पास क्लियर हो जाएगा। जनरली प्लेसेंटा का एक ही लोब होता है, इसके अंदर दो प्लेट होती है, बेसल प्लेट और कॉलोनिक प्लेट, और वहाँ से एक ही अम्बिलिकल कॉर्ड निकलेगी। पर इसमें बायलोबिटा में क्या होगा, आपको दो लोब्स मिलेंगे, उसके दोनों इक्वल साइज के अंदर होंगे और एक अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ेगी। कभी कभार क्या होता है कि दो लोब की जगह तीन भी हो सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, मल्टी लोबेट प्लेसेंटा कहते हैं। दो की जगह दो से ज़्यादा यदि लोब होते हैं तो, जबकि जनरली क्या है, रेयर होता है। अभी जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं। इसमें देखो आप, ये जो है ये एक लोब, ये है इक्वल लोब है, और एक लोब ये वाला है। इन दोनों लोब से यदि देखा जाए तो ये एक ही अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये जुड़ी हुई है, इसलिए इसको कहते हैं प्लेसेंटा बाइलोबेटा। नेक्स्ट जो हम आते हैं, प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा। सक्सेंचुरेटा यानी किसी भी प्लेसेंटा का, किसी का भी एक एक्सेसरी लोब होना, एक्सेसरी ऑर्गन होना। इसमें क्या होगा, एक स्मॉल एक्सेसरी लोब होगा जो कि डेवलप हो जाता है मेन प्लेसेंटा से। इसमें क्या होता है, कोई पर्टिकुलर विलाई जो है वो एक्टिव हो गई और जो डेसिडुआ है उससे जुड़ गई, यानी जो पर्टिकुलर जो एक प्लेसेंटा बना हुआ है उसका ही पैरेलल कोई पर्टिकुलर एक विलाई और एक्टिव हो गई और दूसरा लोब उसका और बना दिया। तो इसमें क्या होगा, एक बड़ा लोब होगा और एक छोटा लोब होगा। जनरली क्या होता है इसके अंदर, डायग्नोसिस हम इसका कैसे करेंगे, यदि जब प्लेसेंटल एक्सपल्सन हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है प्लेसेंटा, तब यदि उसका कोई भी लोब जो है वो इंटैक्ट, यदि कोई भी लोब मिसिंग नहीं है, पूरी प्लेसेंटा जो है वो है, तो जो पिक्चर दिखाया वैसा ही आपको मिलेगा, एक छोटा लोब मिलेगा और बाकी बड़ी प्लेसेंटा अलग से दिखेगी। पर यदि ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर लोब जो है, यदि आपको ऐसा लगता है कि प्लेसेंटा के कोरियम और उसके अंदर कहीं गैप दिख रहा है और वहाँ के किनारे की जो वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लीडिंग हो रही है, कटी हुई वेसल से भी मिलती है, तो इसका मतलब वो क्या है कि प्लेसेंटा का जो लोब है वो मिसिंग है और वो प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा हो सकती है। जो इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो जनरली क्या रहता है, यदि लोब अंदर ही रह गया तो पोस्टमार्टम हेमरेज होगा, या डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग ज़्यादा रहेगी, सब इन्वोल्यूशन होगा, यानी यूट्रस का जो डिलीवरी के बाद में ब्लीडिंग होती है, यूट्रस अपने सैप के अंदर आता है उसको इन्वोल्यूशन कहते हैं, पर सब इन्वोल्यूशन यानी जो इन्वोल्यूशन है वो प्रॉपर स्पीड के अंदर नहीं होगा, सेप्टिसिमिया हो सकता है, यूट्राइन सेप्सिस हो सकता है, और यदि लोब अंदर ही रहा तो वो पॉलिप का उसके अंदर डेवलपमेंट हो सकता है। यदि उसके साथ में वासाप्रिया यानी कोई पर्टिकुलर वेसल्स जो है वो इंटरनल होस, सर्वाइकल इंटरनल होस उसके सामने की तरफ यदि वेसल्स यदि कोई जा रही है उसमें से, यानी जो पर्टिकुलरली सक्सेंचुरेटा के अंदर जो वेसल्स जा रही है वो यदि इंटरनल होस के सामने आ जाती है तो उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है, और वो ब्लीडिंग जो है वो एंटीपार्टम हेमरेज यानी डिलीवरी से पहले की तरफ होगा और 28 वीक्स के बाद में होगी। यदि मेम्ब्रेन में से जो वेसल्स है उन जो दोनों लोब को जा रही है वेसल्स, इसमें से एक बड़े वाले लोब को और एक छोटे वाले लोब को वेसल्स जा रही है, यदि वो वेसल्स एब्सेंट हो, यदि नहीं है, तो उसको इस प्लेसेंटा सक्सेंचुरेटा को क्या कहेंगे हम, प्लेसेंटा स्पूरिया। इस डायग्राम से अभी आप देख सकते हो, ये एक जो है ये छोटा लोब है और ये बड़ा लोब है। आगे वो डायग्राम से क्लियर करते हैं। प्लेसेंटा सर्कमवेलेटा, प्लेसेंटा मार्जिनेटा और प्लेसेंटा सर्कमवेलेटा, ये दोनों प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियोलिस के रूप में, इनको प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियोलिस का ही एक रूप माना जाता है। प्लेसेंटा सर्कमवेलेटा जनरली मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दो प्रकार की प्लेसेंटा के अंदर प्लेट्स होती है, एक बेसल प्लेट जो कि मेटरनल एस्पेक्ट की तरफ रहती है और एक रहती है कोरियोनिक प्लेट। यदि कोरियोनिक प्लेट छोटी हो, यानी बेसल प्लेट के मार्जिन्स और कोरियोनिक प्लेट के मार्जिन्स आपस में अनइक्वल हो, यानी बेसल प्लेट का बड़ा हो और कोरियोनिक प्लेट है उसकी छोटे मार्जिन्स हो,
तो क्या होगा, बेसल प्लेट के मार्जिन से जो मेम्ब्रेन्स है वो कोरियोनिक प्लेट के ऊपर ही रोल आउट हो जाएगी, तो ये प्लेसेंटा सर्कमवेलेटा की वाली कंडीशन बनेगी। जब कोरियोनिक प्लेट जो है वो पूरे मार्जिन तक नहीं जा रही, छोटी होती है, तो मेम्ब्रेन है वो उसकी के ऊपर अपने आप ही रोल बैक हो जाती है और सेंट्रल के अंदर एक रिंग बनाती है। उस रिंग के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटल टिश्यू होता है, और वो जो प्लेसेंटल टिश्यू है वो क्या होता है, कोरियन पोर्शन के बाहर जाता है, यानी कोरियोनिक प्लेट तो छोटी है तो बेसल प्लेट वाला हिस्सा जो है उधर की तरफ रहेगा, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कोरियलिस। तो प्लेसेंटा सर्कमवेलेटा और प्लेसेंटा मार्जिनेटा ये दोनों ही एक्स्ट्रा कोरियलिस होती है। ये पीजी के अंदर क्वेश्चन भी आता है इसका, इसके बारे में, इसमें क्या होगा, सेंट्रली डिफ्रेस्ड एरिया होगा जिसके चारों तरफ, सेंट्रली डिफ्रेस्ड एरिया के चारों तरफ एक क्या होगा, थिकन वाइट रिंग होगी, जिसके अंदर उस थिकन वाइट रिंग जो है वो जनरली किसकी होती है, डबल फोल्ड ऑफ एमनियन और ओरियन की होती है। अभी डायग्राम के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा कि अभी आप देख ही सकते हो, ये ऊपर वाली यदि जो है ये बेसल प्लेट है, ये वाली जो है ये कोरियोनिक प्लेट है, ये छोटी है, ये जो प्लेसेंटा का मार्जिन बाहर निकला हुआ दिख रहा है ये एक्स्ट्रा कोरियोलिस मार्जिन है, और इसके ऊपर ये आप देख रहे हो ये वाली जो एमनियन और ओरियन का डबल फोल्ड हो गया है। ये अभी आपको नेक्स्ट डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा कि ये रिंग किस टाइप से दिखेगी। यानी इसकी बात करें तो ये आप देख सकते हो, ये वाली ये जो एक रिंग बन गया, थिकन रिंग है, इसको कहते हैं प्लेसेंटा सर्कमवेलेटा। इसकी वजह से ब्लीडिंग भी हो सकती है। ये वाला हिस्सा जो है ये बेसल प्लेट का है, कोरियोनिक प्लेट जो है ये छोटी पड़ रही है इसके, और यहाँ पे गैप है, इसको एक्स्ट्रा कोरियोलिस स्पेस है। और यही रिंग यदि बिल्कुल मार्जिन में होती है, यहाँ से यदि ये रिंग आती है, तो इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा मार्जिनेटा, बीच में है इसलिए इसको प्लेसेंटा सर्कमवेलेटा कहते हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यदि इसकी बात करें तो क्या है, यदि प्लेसेंटा सर्कमवेलेटा होता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि इसके एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि ब्लीडिंग बाहर से होती रहेगी तो बच्चे के न्यूट्रिशन नहीं होगा। हाइड्रोरिया ग्रेविडेरम कंटिन्यूस बाहर की तरफ जो पोर्शन है उससे से क्या होता है, कुछ एक्सेस वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो बढ़ जाएगा, जिसको कहते हैं हाइड्रोरिया वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, वाटरी होगा, हाइड्रोरिया ग्रेविडेरम प्रेगनेंसी के दौरान जो भी डिस्चार्ज होता है वेजाइनल, उसको कहते हैं हाइड्रोरिया ग्रेविडेरम, ज़्यादा मात्रा में रहेगा। तीसरा, एंटीपार्टम हेमरेज हो सकती है, क्योंकि बेसल प्लेट का हिस्सा बाहर की तरफ है, कोरियोनिक प्लेट छोटी है, तो वहाँ से जो बेसल प्लेट से जो मेटरल ब्लड है वो बाहर की तरफ इसके आ सकता है, इस एपीएच हो सकता है बच्चे का, जैसा कि न्यूट्रिशन उसको प्रॉपर नहीं मिलेगा तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, यानी उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है, डिलीवरी जो है वो पहले हो सकती है, समय से पहले हो सकती है, या फिर जो प्लेसेंटा या मेम्ब्रेन है वो डिलीवरी के बाद अंदर ही रिटेन रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा, इसके अंदर क्या होता है, जनरली क्या होता है, प्लेसेंटा जो होती है वो पूरा एक प्लेट की तरह होती है, और यदि उसके अंदर कहीं पे आपको होल जैसा या छेद जैसा दिखता है या कोई पर्टिकुलर विंडो दिख रही है, तो वो गैप जो होता है उसको कहते हैं प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा कहते हैं। जनरली ये नहीं मिलता है, रेयर एनोमली है। कई बार जब क्लिनिकली हमारे पास में प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा मिलता है तो हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं कि कोई प्लेसेंटा, कोई लोब या कोटलीडन अंदर की तरफ तो नहीं रह गया है। इसमें आपको ये देख सकते हो, ये जो है ये विंडो आपको जो दिख रहे हैं ये प्लेसेंटा फेनेस्ट्रेटा को शो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम एबनॉर्मल डायमीटर की बात कर रहे हैं, अभी तक तो हमने शेप की बात की, अब एबनॉर्मल डायमीटर की बात कर रहे हैं प्लेसेंटा के। तो प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया, जनरली क्या होता है, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया के बारे में बात कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो डेवलपमेंट मैंने आपको पहले बता दिया, कोरियोनिक जो कोरियन फंडोसम होता है और डेसिडुआ जो होता है, तो जहाँ पे फंडोसम जुड़ता है डेसिडुआ से या डेसिडुआ बेसिलिस से, वहाँ पे जो है वो प्लेसेंटा बनती है, सिंगल प्लेसेंटा वहाँ से बनती है। पर मेम्ब्रेनेशिया में क्या होता है, जो कोरियन फंडोसम एक ही साइड से डेवलप होता है, जो चारों तरफ ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ जो कोरियोनिक लीव है वो भी प्लेसेंटा के रूप में डेवलप हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि वो प्लेसेंटा जो होता है लार्ज और थिन होता है, और ये पूरा कोरियोनिक लीव से भी, कोरियोन लीव से भी ये पूरा डेवलप होता है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है,
वही है। सबसे पहले तो ये क्या करेगा कि जैसा कि डायमीटर ज़्यादा है तो ये क्या कर देगा, यूट्रस के जो लोअर सेगमेंट है उसको भी एनक्रोचमेंट कर देगा, यानी उसको भी कवर कर लेगा। तो ये क्या प्लेसेंटा प्रिया वाली कंडीशन बन जाएगी, जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। पीपीएच, माना कि कोई प्लेसेंटा का पार्ट अंदर रह गया तो ये पोस्टमार्टम हेमरेज हो सकता है इसकी वजह से। ज़्यादा बड़ी प्लेसेंटा है तो चांसेस है उसका ब्लीडिंग के बाद में अंदर ही रिटर्न रहने का चांसेस रह सकता है। ये आप देख सकते हो पूरा प्लेसेंटा जो है जनरली गोल होती है, पर यहाँ पे आप देखो ये पूरा मेम्ब्रेन के रूप में है। इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया। अब बात करते हैं हम एबनॉर्मल वेट की। यदि एबनॉर्मल वेट करें तो कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंदर साइज जो है प्लेसेंटा की बढ़ जाती है और उसका वेट भी बढ़ जाता है। जैसे कंजेनाइटल सिफिलिस के अंदर, हाइड्रोस्पिटलिस बच्चे के अंदर जनरली क्या है, जो वाटर है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। जनरली ये कंडीशन जो होती है वो आरएच जो है वो एल्यूमिनाइजेशन के अंदर होती है। आरएच जो इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसके अंदर होती है। और डायबिटीज़ मेलिटस, यदि मदर को डायबिटीज़ है तो भी बच्चे का जो है वो वेट बढ़ेगा। बच्चे का वेट बढ़ेगा तो प्लेसेंटा का वेट भी बढ़ता है। जनरली बच्चे का वेट और प्लेसेंटा का वेट का मैं आपको पहले बता चुका हूँ 6:1 रेशियो होता है। अब बात करें हम एबनॉर्मल पोजिशंस की बात करें तो इसमें भी दो अलग अलग पोजिशंस है। जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर क्या होता है, जो प्लेसेंटा है उसका जो इम्प्लांटेशन होता है वो क्या होता है, यूट्रस के जो ये इंटरनल ओस है, ये आप इसमें देख सकते हो इंटरनल ओस है इसके। तो ये जैसे ही प्लेसेंटा है, यदि इसका मार्जिन जो है, जो प्लेसेंटा का मार्जिन है वो यदि इंटरनल ओस को कवर कर रहा है तो इसको कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। यदि पूरा प्लेसेंटा जो है वो इंटरनल ओस को क्लियर कवर कर रहा है तो उसको कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। और यदि ये जस्ट नीचे की तरफ वो कवर नहीं कर रहा हो तो इसको लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं। अब हम बात करते हैं एबनॉर्मल एडहेजन की। बात करें तो प्लेसेंटा एक्रेटा तीन टाइप से होता है ये, प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा प्लेसेंटा इनक्रेटा और प्लेसेंटा परक्रेटा। अब बात करते हैं हम प्लेसेंटा एक्रेटा, तो इसमें क्या होगा कि जो जनरली प्लेसेंटा का जो इम्प्लांटेशन होता है वो होता है एंडोमेट्रियम पे, पर प्लेसेंटा जो एक्रेटा होगा वो चली जाएगी यूट्राइन वॉल, जो मसल्स है वहाँ तक चली जाएगी। प्लेसेंटा इनक्रेटा के अंदर क्या होता है, जो एडिजन होगा, जो इम्प्लांटेशन होगा वो यूट्राइन मसल्स के अंदर चला जाएगा, यानी तभी इसका नाम क्या है, इनक्रेटा। देख सकते हैं ये इनक्रेटा नाम तभी पड़ा है क्योंकि ये मसल्स के अंदर प्लेसेंटा ग्रोथ करेगी। और प्लेसेंटा परक्रेटा से क्या होता है, उस मसल्स के चारों तरफ अंदर घुसकर ये पूरा एंटायर वाल को ही कवर कर देगी। डायग्राम सभी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो ये मसल्स है तो आप देखो सबसे पहले जो प्लेसेंटा का एडिजन हुआ वो मसल से हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, प्लेसेंटा एक्रेटा। उसके बाद में प्लेसेंटा, यदि प्लेसेंटा मसल्स के अंदर ही चली जाती है, देखो ये यहाँ पे एजेस है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है प्लेसेंटा अंदर की तरफ ग्रो हो रही है, तो इसको कहते हैं प्लेसेंटा इनक्रेटा, इन यानी अंदर की तरफ। और परक्रेटा में क्या हुआ, देखो आप मसल्स यूट्राइन जो वॉल है उसको चारों तरफ से घेर दिया है, तो इसको कहते हैं प्लेसेंटा परक्रेटा। ये एबनॉर्मल जो है ये एडेशंस हो गए। अब हम बात करते हैं फीटल मेम्ब्रेन्स की। फीटल मेम्ब्रेन्स जो है वो दो होती है, कौन कौन सी, जो आउटर को होती है वो कोरियन होती है और जो इनर होती है वो एमनियन होती है। जो कोरियन है वो क्या करती है कि कोरियन लिव का जो है वो अवशेष होती है, कोरियोली यानी चारों तरफ जो ब्लास्टोसिस्ट होता है उसके चारों तरफ जो मैंने पहले बताया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, जिसमें से कुछ एक साइड के जो डेसिडुआ बेसिलिस की तरफ वाला जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस वो बढ़ जाते हैं, इनको कोरियन फ्रंडोसम कहते हैं, और बाकी को कोरियन लीव कहते हैं। जो बचा हुआ है जो है ये एमनियन से ज़्यादा मोटी होती है, फ्रीएबल यानी जल्दी टूटने वाली भी होती है, उससे कि यानी इसके ऊपर मतलब जैसे बालों से भरा हुआ होता है वैसा है, इस टाइप के ऊपर शेड आउट होता है, इसलिए इसको ये सैगी होती है, बाल की तरह ही दिखती है, जैसे कोई बाल उगे हुए, लोम उगे हुए उसके, इस टाइप से। इंटरनली ये क्या रहता है, जनरली जो दो इसका दो दो एस्पेक्ट होते हैं इनर और आउटर, तो जनरली क्या रहता है, ये इंटरनली जो होता है प्रिमिटिव मेसेनकाइमल टिश्यू एमनियन से चिपका हुआ रहता है, और जो एक्सटर्नली होता है वो एक डेसिडुआ कैप्सुलरिस यानी यूट्रस की तरफ जो ऐसा यूट्रस जो वाल है, जो एंडोमेट्रियम की, जो एंडोमेट्रियम का डेसिडुआ कैप्सुलरिस और पेराइटलिस से ये चिपका हुआ रहता है।
एमनियन की बात करें तो ये इनर लेयर होती है यानी कोरियन के अंदर की तरफ होती है, इनर लेयर होती है। इसकी जो थिकनेस रहती है वो 0.02 से 0.5 मिलीमीटर तक होती है। पांच मेम्ब्रेन, पांच लेयर होती है इसके अंदर। यदि हम अंदर से बाहर की तरफ चले तो ट्यूबोइड एपिथेलियम होती है जो सिंगल लेयर होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ रेटिकुलर स्ट्रक्चर यानी वहाँ पे बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है जो जो जालीदार संरचना के रूप में होते हैं वो कॉम्पैक्ट लेयर होता है। फाइब्रोब्लास्टिक लेयर होती है इसके अंदर और स्पंजी लेयर होती है इसके अंदर। एमनियम के अंदर कोई भी ब्लड नर्व या लिम्फेटिक सप्लाई नहीं होती है। जो इसकी इंटरनल सरफेस होती है जो स्मूथ और शाइनी होती है पहले बताया, जो फिटस की तरफ रहती है और एमनियोटिक फ्लूड के कंटिन्यूस टच में रहती है। और इसकी जो आउटर सरफेस होती है वो कोरियन के इनर सरफेस से चिपकी हुई रहती है। जो इसको कोरियन को और एमनियन को हम पील ऑफ कर सकते हैं यानी कोरियन से हम एमनियन को हटा सकते हैं, पर जहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्शन होती है वहाँ से उसको नहीं हटा सकते। बाकी पूरी कोरियन और एमनियन को हम अलग कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे एमनियन के, यदि लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले जो सिंगल लेयर थी वो हम देख सकते हैं यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हो गई, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ रेटिकुलर स्ट्रक्चर हो गया, फाइब्रोब्लास्ट लेयर हो गया और स्पंजी लेयर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो दोनों मेम्ब्रेन्स के यदि हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शंस जो है वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो ये दोनों लेयर्स जो है ये एमनियोटिक फ्लूइड को के फॉर्मेशन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करती है यानी ये बनाती है। फिर यदि कोई भी यूट्राइन इन्फेक्शन हो रखा है तो ये मेम्ब्रेन होती है तो उसको ऊपर की तरफ असेंड होने से रोकती है यानी बच्चे तक कोई भी इन्फेक्शन आ नहीं पाता। फिर ये क्या करती है, लेबर के दौरान जो है ये सर्वाइकल डायलिटेशन को फैसिलिटेट करती है। दूसरा ये क्या होता है, रिच सोर्स होता है किसका, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का, जिसके अंदर अरेकिडोनिक एसिड होता है। और अरेकिडोनिक एसिड जो है वो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 F2 अल्फा का प्रीकर्सर होता है। दोस्तों ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को लाने में सहायक होते हैं। जनरली ड्यूरिंग लेबर जो है वो डायनाप्रोस्ट और इस टाइप से प्रोस्टाग्लैंडिन दिए जाते हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को एनहेंस करते हैं, स्टार्ट भी करते हैं और बढ़ाते भी हैं। अब हम बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड की। जनरली जो इसको कहते हैं लाइकर एमनिया भी कहता है और ये फीटस को चारों तरफ से घेरता है केवल और केवल जहाँ पे बॉडी स्टॉप या कि आप कह सकते हो अम्बिलिकल कॉर्ड जहाँ इंसर्ट हो रही है वहाँ को छोड़कर बाकी पूरे उसे सराउंडिंग करता है, बच्चे को घेर के रखता है। जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कहाँ कहाँ से बनता है तो बता दें आपको, ये मैटरनल और फीटल ओरिजिन दोनों होते हैं यानी माँ से भी बनता है और बच्चे से खुद से भी बनता है। दूसरा इसका सर्कुलेशन होता रहता है, हर 3 घंटे के बाद में एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर जो वाटर होता है वो चेंज होता रहता है। वॉल्यूम की बात करें तो इसका वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। 12 वीक्स पे जो रहता है इसकी क्वांटिटी, ये पीजी का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद कर लेना। अब नोट्स जो है वो कंटिन्यूस बनाते रहना। 12 वीक्स पे इसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो 50 ml रहती है, 20 वीक्स पे 400 ml रहती है, 36-38 के अंदर 1 लीटर या 1000 ml ये इसकी हाईएस्ट क्वांटिटी है। उसके बाद में टर्न तक यदि आप जाते हो तो 600-800 ml आपको मिलेगा। यदि पोस्ट टर्न की बात करें यानी 40 वीक्स के बाद की बात करें तो धीरे धीरे ये रिडक्शन होता रहता है। 43 वीक्स पे लगभग इसकी जो क्वांटिटी है वो 200 ml रह जाती है। अब यदि हम इस सर्कुलेशन की आप बात करें कि इसका प्रोडक्शन और कैसा होगा तो ये जो ग्रीन एरो जो आपको ये दिख रहा है ये इसकी प्रोडक्शन को बताता है। ट्रांजुडेशन यानी जनरली किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या किसी भी मेम्ब्रेन से यदि किसी फ्लूइड को निकाला जाए तो उससे जो फिल्टर होकर जो बाहर निकलेगा वो उसको ट्रांजुडेशन कहते हैं। तो मेटरनल जो सर्कुलेशन है ये जब प्लेसेंटा से छन के आता है तो क्या करता है, वहां से एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। सेम मेटरनल सर्कुलेशन से जब ये एमनियोटिक एपिथेलियम में जाता है तो सिक्रेशन के रूप में भी यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। सेम यदि बात करें फीटल सर्कुलेशन के अंदर, जब ये भी प्लेसेंटा से जाता है तो प्लेसेंटा से छनता है, फिल्टर होता है और ये क्या बनाता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। ठीक, अब ये तो इसके जो बनने की बात होगी। इसके अलावा जो फीटल की स्किन से भी जो सर्कुलेशन, क्योंकि स्किन भी फिल्टर का काम करती है, वहाँ से जो निकलता है वो भी एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है। फिटल यूरिन जो है वो भी एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है।
ये तो इसकी बनने की होती है। अब इसका रिमूवल कैसे होगा? तो जनरली क्या करती है, जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं, एमनियन और कोरियन और एमनियन, वो दोनों इसको जो है एब्जॉर्ब करती है। लंग फ्लूड है उसके साथ में एक्सचेंज होता रहता है, ये लगभग 340 ml के साथ में एक्सचेंज होता है, यानी बनता भी है उससे और एब्जॉर्ब भी होता है। लंग्स इसको एब्जॉर्ब भी करते हैं और निकाल के वापस एमनियन फ्लूड बनाते भी है। फिटल्स जो है वो खुद ही इसको स्वेलो करता है, ये आपको ध्यान लायक रखने लायक है। दूसरा, जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में भी ये इसका एब्जॉर्प्शन होता है, एक तो मेम्ब्रेन्स और फीटस के बीच में जो है वो, और एक दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में या मेम्ब्रेन्स के खुद के अंदर भी जो है इसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये इसका जो है याद रखने लायक है कि मैटरनल जो है सर्कुलेशन कहाँ से होगा। और मैं आपको ये पूरी इंक इसका जो है वो हटा देता हूँ ताकि आपको डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम जो है अच्छी तरीके से याद कर लेना, इसका ट्रांसलेशन कहाँ से हो रहा है, किस टाइप से हो रहा है। ग्रीन जो एरो बता रहे हैं वो इसका जो है वो फॉर्मेशन बता रहे हैं, और जो ब्लू एरो है वो बता रहे हैं कि इसका रिमूवल कैसे कैसे होता है। इस डायग्राम में भी यदि हम देखें इस टेबल के अंदर, तो मेटरनल सीरम जब ट्रांसलेट होता है प्लेसेंटा से तो ये बनता है। फिटल सर्कुलेशन भी जब ट्रांसलेट होता है अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा से तभी बनता है, एमनियोटिक एपिथेलियम खुद इसको बनाती है। और जब फिटल स्किन से ही जो फिटल प्लाज्मा बाहर निकलता है तो भी वो लगभग इसका जो एमनियोटिक फ्लूइड बनाती है। फिटल यूरिन है वो उसकी वजह से भी बनता है, फिटल लंग्स है वो उसकी एक्सचेंज की वजह से लंग्स का जो फ्लूइड है वो भी एमनियोटिक फ्लूइड को बनाता है। रिमूवल की बात करें तो फिटस जो है वो स्वेलो करता है, ये स्वेलो करना, ये यूरिन आउटपुट, ये बहुत काम की चीज़ है जो आपको आगे ओलिगोहाइड्रोनेमिया पॉलीहाइड्रोनेमिया और जब मैं पढ़ाऊंगा तब ये आपके काम आएगा। इंट्रा मेम्ब्रेनस जो है एब्जॉर्प्शन है ये आपको याद रखना है पूरा, ये इस तरीके से आप इसको याद करना। एक बार फिर से मैं ये इरेज कर लेता हूँ इंक ताकि आपको डायग्राम बनाने में या टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बाद बात करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के पिक्चर्स की। तो क्या क्या फीचर्स है इसके? सबसे पहले तो इसकी जो पीएच है वो एल्केलाइन होती है, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो लो होती है, वाटर की 1.00 है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.010 है। हाइपोटोनिक टू मेटरनल सीरम, यानी जो इसके अंदर जो सॉलिड्स का जो कंसनट्रेशन है वो मेटरनल सीरम से कम होता है। जनरली जो इसकी ऑस्मोलरिटी है वो 250 mOsmol पर लीटर है, जो ये 250 mOsmol पर लीटर जो है वो ये मैच्योरिटी इसकी शो करता है। जब हम स्टडी करते हैं तो 250 यदि इसकी कंसेंट्रेशन आता है तो इसका मतलब ये है कि फिटल्स जो है वो मैच्योर हो गया है। जनरली पहले ऑस्मोलरिटी इसके अंदर ज़्यादा होती है, यानी किसी भी सॉलिड्स की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, धीरे धीरे इसके अंदर लिक्विड की मात्रा बढ़ती जाती है तो ऑस्मोलरिटी इसकी कम हो जाती है। यानी इसमें जो है जैसे जैसे जेस्टेशन एडवांस होता है ये जो ऑस्मोलरिटी है इसकी घटती जाती है, ये याद रखने लायक पॉइंट है। कलर जनरली जो है इसका अर्ली प्रेगनेंसी में कलरलेस होता है ये, और जैसे टर्म आती है 40 वीक्स से पहले पहले तो ये पेल स्ट्रॉ कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक्सपोलिटेड जो लेनुगो है यानी इसके जो हेयर्स होते हैं फीटस के, वो कुछ एपिडर्मल सेल्स इसके अंदर आ जाती है। टर्बिड भी हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वर्निक्स कैसियोसा जो कि वैक्स होता है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। और यदि कुछ एबनॉर्मल कलर है, यहाँ पे ये पीजी के एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान, यदि कोई ये तो कलर है जनरली जो बता दिया किस टाइप का कलर होता है, एबनॉर्मल कलर यदि आपको मिलता है कैसा, यदि मिकोनियम स्टेन है तो ग्रीन कलर मिलेगा, मिकोनियम जो है वो फीटस का स्टूल होता है। ग्रीनिश येलो कलर यानी सेफ्रॉन है तो पोस्ट मैच्योरिटी को दिखाता है, यानी फीटस जो है वो 40 वीक्स को क्रॉस कर चुका है। सेफ्रॉन कलर ग्रीनिश येलो, ये ध्यान रखना। गोल्डन कलर आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को शो करता है, गोल्डन कलर का यदि एमनियोटिक फ्लूइड है तो वो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी को करता है। डार्क कलर जो है वो एक्सीडेंटल हेमरेज को शो करता है, और यदि डार्क ब्राउन है टॉम्बिको ज्यूसेस है तो आईयूडी यानी इंट्रायूटराइन डेथ को शो करता है, बच्चा मर जाता है तो टॉम्बिको ज्यूस जैसा वो शो होता है। ये पीजी के क्वेश्चंस है, याद रखने लायक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एमनियोटिक फ्लूइड के कंपोजिशन की बात करें हम तो फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर जैसे प्लाज्मा का ट्रांसलेट, यानी प्लाज्मा को यदि हम मेम्ब्रेन से
फिल्टर करे तो जो बचता है उसके जैसा इसका कंपोजिशन होता है। लेट प्रेगनेंसी के अंदर इसके अंदर वाटर होता है 98 to 99%, सॉलिड्स होते हैं 1 to 2%, उसके अंदर भी ऑर्गेनिक सॉलिड्स के अंदर देखा जाए तो प्रोटीन है, ग्लूकोज है, यूरिया, यूरिक एसिड जो जनरली यूरिन में होता है, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन है, क्रिएटिनिन है, लिपिड्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें रहती है। इनऑर्गेनिक के अंदर उसके अंदर सोडियम क्लोरीन और पोटेशियम रहता है, जिनकी कंसेंट्रेशन वही होती है जो मेटल ब्लड की होती है। पर जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है सोडियम और क्लोरीन की कंसेंट्रेशन गिर जाती है और पोटेशियम की जो कंसेंट्रेशन है वो सेम रहती है। इसके अलावा इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक लेनुगो जो कि हेयर्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स मनी स्केशियोसा जो कि वैक्स होती है, और कास्ट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड्स एमनियोटिक सेल्स पाया जाता है। फंक्शंस की बात करें दोस्तों थोड़ा ध्यान रखने के लायक बहुत अच्छे फंक्शन है एमनियोटिक फ्लूइड के। पहला जो फंक्शन है वो ये है कि फीटस को ये प्रोटेक्ट करता है, जो इसका मेन फंक्शन है। प्रेगनेंसी के दौरान ये शॉक को एब्जॉर्ब करता है क्योंकि फीटस के चारों तरफ रहता है, बाहर से कोई भी जर्क लगा तो ये पहले एब्जॉर्ब कर लेगा उसको, और बाहर से कोई भी इंजरी होती है उसको बच्चा ने फीटस को बचाता है। चारों फ्लूड है तो बाहर का टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर को ये मेंटेन रखता है। बाहर यदि टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो भी अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है, तो ये टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जो एमनियोटिक सैक है उसको ये डिस्टेंट रखता है, फूला के रखता है, जिससे कि फीटस की ग्रोथ और मूवमेंट इजीली हो जाती है। और यदि यदि ये इसको डिस्टेंट नहीं करेगा एमनियोटिक सैक को तो क्या होगा, एमनियोटिक सैक और फीटल पार्ट्स आपस में चिपक जाएंगे, एडेशन बन जाएगा। दूसरा, वाटर सप्लाई करता है फीटस को क्योंकि पूरा वाटरी होता है। न्यूट्रिटी वैल्यू इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, न्यूट्रिशन भी रहता ही है पर बहुत कम मात्रा में, क्योंकि मेनली जो न्यूट्रिशन है वो तो अम्बिलिकल कॉर्ड से और प्लेसेंटा से आता है। ड्यूरिंग लेबर जो हेमनेटिक फ्लूड क्या क्या करता है, सबसे पहले तो हाइड्रोस्टेटिक वेज भी है, यानी जिसका एक हिस्सा तीखा हो और पीछे वाला हिस्सा चौड़ा हो, जैसे हथौड़े और चीनी जैसे नहीं होती वैसे ही, तो ये क्या करता है हाइड्रोस्टेटिक वेज बनाता है जो कि शरीर को डायलेट करने में है। आगे से पतला रहेगा जिसमें से फ्लूड आता है और फोर्स के साथ फ्लूड आता है तो सर्वाइकल डायलिटेशन बढ़ जाता है। दूसरा, ये जो मेम्ब्रेन्स है उनको ये यूट्रेन कॉन्ट्रेक्शन के दौरान फटने से बचाता है, क्योंकि यूट्रेन कॉन्ट्रेक्शन होगा तो यूट्रस का प्रेशर जो है अंदर से बढ़ जाएगा, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर रहेगा, अंदर की तरफ मेम्ब्रेन्स को दबाया जाएगा, बट अंदर जो फ्लूड होता है एमनियोटिक फ्लूड होता है वो उसको वापस उसकी स्थिति बना के रखता है, जिससे वो इंटैक्ट रहे, वो फट नहीं पाएगी, रप्चर नहीं हो पाएगी। दूसरा, ये क्या करता है कि जैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर होती है, डिलीवरी होती है, ये क्या करता है कि इसका एकदम से फ्लो होता है, इसके अंदर जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है जो क्या करता है कि पूरा उसको फ्लश आउट कर देता है बैक्टीरिया को या जो भी इन्फेक्शन होता है उसको, जिससे क्या होता है कोई भी इन्फेक्शन ऊपर की तरफ नहीं असेंड हो पाता, फ्लेयर अप नहीं हो पाता। क्लिनिकल इम्पोर्टेंस जो है वो बताते हैं, तो सबसे पहले तो इसकी जो स्टडी है वो बताती है कि फीटस जो है वो मैच्योर हुआ नहीं, जैसे मैंने बताया ऑस्मोलरिटी है 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर है तो वो मैच्योरिटी को शो करती है, तो ये स्टडी है वो बताती है। दूसरा, कम है ओलिगोहाइड्रोएमनियाज है, मैंने जैसे आपको बताया जैसे ओलिगोहाइड्रोएमनियाज है तो जनरली बच्चे का क्या रहेगा कि यदि जैसे यूरिन जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड बनाता है, पर ओलिगोहाइड्रोएमनियाज के अंदर एक मान के चलो कि कोई ना कोई बच्चे के अंदर कंजेनिटल एनोमली है वो भी रीनल से रिलेटेड, यानी उसकी किडनी से रिलेटेड है, जिसकी वजह से यूरिन उसका प्रॉपर बन नहीं पा रहा है, जनरली एक बात कर रहे हैं तो इसलिए उसके अंदर यूरिन उसका प्रॉपर बन नहीं पा रहा है, यूरिन बाहर निकल नहीं पा रहा है, इसलिए क्या है ओलिगोहाइड्रोएमनियाज होता है, यानी एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया। सेम ऐसे ही यदि बच्चा स्वेलो नहीं कर रहा है यानी उसको घटक नहीं रहा है तो भी फ्लूड जो है वो बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा पॉलीहाइड्रोएमनियाज। जनरली जब भी बच्चे के अपर जीआईटी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो पॉलीहाइड्रोएमनियाज होता है, और जब भी रीनल अजेनेसिस हो गया कोई व्यक्ति कंजेनिटल एनोमली रीनल के हिसाब से होती है किडनी के हिसाब से होती है तो उसके अंदर ओलिगोहाइड्रोएमनियाज पाया जाता है। तो ये जो स्टडी है ये आपको सो बताती है कि फीटस जो है मैच्योर हुआ या नहीं हुआ। सेम ऐसा ही एक लेसिथिन और स्पिगोमेलिन होता है जो लंग्स अफेक्टेड होते हैं, वो उनका जो रेशियो है जब वो ऑप्टिमम लेवल को प्राप्त हो जाते हैं तो भी वो फिटस जो मैच्योरिटी है उसको शो करते हैं, जो उसको बताते हैं कि लंग्स मैच्योर हो गए। दूसरी जो है इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है वो ये है कि यदि इसके अंदर कोई भी एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड के अंदर कोई भी मेडिसिन या केमिकल दिया जाए तो वो एबॉर्शन करवा देता है, एबॉर्शन कराने के लिए भी इसका यूज किया जाता है।
एक्सेस ऑफ लेस वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया जो मैच्योरिटी ऑफ फीटस को बताता है। यदि मेम्ब्रेन को रप्चर कर दिया जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड है वो इंडक्शन ऑफ लेबर करवाता है, लेबर को है स्टार्ट कराने में भी हेल्प करता है। अब हम आते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर। जनरली अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो फीटल अम्बिलिकस से फीटल सरफेस, जो प्लेसेंटा का फीटल सरफेस है वहां तक जाता है। जो इसका डेवलपमेंट है वो होता है बॉडी स्टॉक से डेवलपमेंट होता है। जो इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इसको कवरिंग कर रही है सिंगल लेयर एमनियोटिक एपिथेलियम ही होती है। जो फीटस स्किन जो जैसी होती है वैसी होती है, वाटर जेली है। जो म्यूकोपोलीसेकेराइड्स होती है वैक्स की तरह होती है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इसका, अम्बिलिकल वेसल्स को ये प्रोटेक्ट करती है। यदि हम ब्लड वेसल्स की बात करें तो इनिशियली इसके अंदर दो आर्टरी और दो वेन होती है, 2A 2B, मीन्स दो आर्टरी और दो वेन्स होती है। पर एक आर्टरी जो होती है, जो आर्टरी होती है वो इंटरनल इलियक आर्टरी से डेराइव होती है, और जो राइट वेन है वो जनरली क्या होती है फोर्थ मंथ के अंदर डिसअपियर हो जाती है। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो जनरली क्या होता है कोई भी फीटल कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है उसके साथ में एसोसिएट रहती है, वरना इसके अंदर जो बस्ती बस्ती है वो है 2AV, दो दो अम्बिलिकल आर्टरी रहेगी और एक अम्बिलिकल वेन रहती है। जो राइट वेन है वो डिसअपियर हो जाती है फोर्थ मंथ के दौरान। यदि अम्बिलिकल वेसल जो योक्सक है वो रेमनेंट हो जाता है जिसको मिगेल्स डाइवर्टिकुलम कहते हैं। और ये जो है जनरली क्या होता है कोडल जो उसका फीटस का जो कोडल एरिया है यानी जो प्रोक्सीमल पार्ट ऑफ द जो डक्ट है परसिस्ट है जो कोडल एरिया रहता है उसके पास में ये आ जाता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो एलेंटोइस करके एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि ब्लेडर के आसपास पाया जाता है। वो जनरली जो है जो कभी कभार ही पाया जाता है और ये इनसाइड द फीटस होता है और ब्लेडर के पास में पाया जाता है। और जो एक इसके अंदर ओब्लिट्रेटेड एक्स्ट्रा जो एम्ब्रियोनिक है वो सिलोम भी कभी कभार इसके स्ट्रक्चर के अंदर पाई जाती है। तो ये सारी जो है जो अम्बिलिकल स्ट्रक्चर है वो इसका अम्बिलिकल कॉर्ड का जो है स्ट्रक्चर शो कर रहा है। इसके अलावा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसकी बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर होती है जो कि 30 to 100 सेंटीमीटर वेरी करती है, शॉर्ट और लॉन्ग। डायमीटर जो है 1.25 to 1.5 सेंटीमीटर करता है। थिकनेस जो इसकी होती है वो क्या होता है कि यूनिफॉर्म नहीं होती है, नोडुलर, क्योंकि इसके अंदर वेसल्स होती है जो कहीं ना कहीं टॉर्चुअस होती है, कुछ मुड़ी हुई होती है, स्टेप्स होती है, और स्वेलिंग की वजह से ये क्या है कि यूनिफॉर्म थिकनेस वाली नहीं होती है। जो दोनों आर्टरीज और एक वेन जो है इनके अंदर वासा वेसोरम यानी क्या होता है कि जो आर्टरीज और वेन की वॉल को सप्लाई करने के लिए कैपिलरीज जो होती है, ब्लड सप्लाई करने के लिए जो कैपिलरीज होती है वो इनके अंदर एब्सेंट रहती है। यानी हर आर्टरी और वेन को भी कुछ जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती है वो ब्लड सप्लाई करती है, पर वो वासा वेसोरम वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है। अटैचमेंट की बात करें हम तो अर्ली पीरियड के अंदर जो इसका वेंट्रल सरफेस ऑफ एम्ब्रियो जो है वह जो है उससे अटैच रहता है, और जो कि कॉडल एक्सट्रीमिटी के नज़दीक रहता है यानी उसकी जो टेल होती है उसके नज़दीक में रहता है। फोर्थ मंथ में ये सेंटर ऑफ द एब्डोमन के पास में आ जाता है। एक्सेंट्रिक अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा होता है यानी नियर टू सेंटर, सेंटर और नियर टू सेंटर इसका अटैचमेंट होता है। कॉर्ड एबनॉर्मलिटीज की बात करें हम तो बेटल डोर प्लेसेंटा, इसके अंदर क्या होता है जो कोड है जो अम्बिलिकल कोड है वो प्लेसेंटा के मार्जिन से अटैच होता है, यानी बिल्कुल सेंटर में अटैच ना होकर मार्जिन से अटैच होता है। जनरली क्या होता है ये लो लाइन जो प्लेसेंटा है, लो इम्प्लांटेशन हुआ प्लेसेंटा का उसके साथ में ये रहता है। यदि कोई ऐसी कंडीशन आती है कोड का जो है वो कंप्रेशन हो जाता है या प्रोलैप्स हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर फिटल एनोक्सिया हो सकता है और डेथ हो सकती है। ये जो कंडीशन है आप देख सकते हो जो प्लेसेंटा हो यहाँ पे इसका होना चाहिए था अटैचमेंट, बट क्या हुआ ये मार्जिन से अटैच हो गई। आगे हम बात करते हैं वेलामेंटस प्लस प्लेसेंटा। तो क्या होगा जो कोड है वो उसमें क्या होगा कि वहां पे तो मार्जिन से अटैच हुआ था, यहाँ पर तो केवल और केवल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएगा। मेम्ब्रेन से अटैच हो गया वो तो
उस कंडीशन के अंदर यदि वासाप्रिया यानी जो वेसल्स है जो मेम्ब्रेन से अटैच हो गई वो यदि इंटरनल वॉल्स यानी लो लाइंग प्लेसेंट है और इंटरनल वॉल्स के सामने है तो उस कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है, ये आप देख सकते हो। यदि ये यहाँ पे हो जाती तो इसको बेटलडोर प्लेसेंटा कहते, पर ये क्या है कि ये मेम्ब्रेन से अटैच हो रखी है, आप देख सकते हो ये मेम्ब्रेन्स, यहाँ से ये मेम्ब्रेन्स है और ये अटैचमेंट जो है वो यहाँ पे हो रखा है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, वेलामेंटस प्लेसेंटा कहते हैं। ये कोर जो है लंबी हो सकती है यानी 300 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है, या एब्सेंट हो सकती है, तो उसको उस कंडीशन को कहते हैं एकोर्डिया। शॉर्ट कोर्ड जो उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है तो वो क्या होगा, शॉर्ट कोर्ड यानी कोर्ड यदि छोटी है तो एक्सटर्नल वर्जन यानी एक्सटर्नल रोटेशन जो है फीटस का हो नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे हेड बाहर निकलेगा फीटस एक्सटर्नल रोटेशन उसका करेगा तो कोर्ड उसको खींच लेगा क्योंकि कोर्ड छोटी है। प्रेजेंटिंग पार्ट जो है उसको डिसेंड होने में रोकेगा क्योंकि कोर्ड छोटी है तो उसको डील होगी नहीं, तो प्रेजेंटिंग पार्ट बाहर आने से ही रोकेगा। दूसरा जो नॉर्मली सिचुएटेड पेशेंट है उसका भी सेपरेशन हो जाएगा क्योंकि कोर छोटी है, जैसे यूट्रन कॉन्ट्रैक्शन हुए तो पेशेंट का जो है वहाँ से छूट जाएगी। माल प्रेजेंटेशन को फेवर करता है क्यों, क्योंकि कोर छोटा है तो फीटस होते तो मूल हिल नहीं पाएगा, तो प्रेजेंटेशन जो है उसकी जो है सिफिलिक प्रेजेंटेशन ना होकर कुछ और प्रेजेंटेशन हो जाएगी। लेबर के दौरान फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। यदि लंबी कोर्ड है लॉन्ग कोर्ड है तो उस कंडीशन के अंदर कोर्ड प्रोलैप्स हो सकती है बाहर की तरफ, यानी कोर्ड प्रोलैप्स यानी जो प्लेसेंटा और जो फिटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है उससे पहले ही कोर्ड जो है वो बाहर आ जाएगी, उस कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है और फिटल डेथ हो सकती है। लंबी कोर्ड है तो बच्चे के चारों तरफ कोर्ड जो है वो एंटेंगलमेंट हो जाएगी, यानी कोर्ड अराउंड द नेक है, कोर्ड अराउंड द बॉडी है वो में हो सकता है। कोर्ड के अंदर गांठ पड़ सकती है तो उससे क्या होगा कि आर्टरीज और वेन का कंप्रेशन हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो बच्चे की डेथ हो सकती है। फॉल्स नोट जनरली क्या होता है, जो वाटर्स जेली है वो क्या होता है इकट्ठी हो जाती है वेसल्स के आसपास, जिसकी वजह से उसमें वहाँ पे एक नोट की दर्द दिखता है। ये फॉल्स नोट होती है, ज़्यादा इसका कोई नुकसान नहीं होता जनरली। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी जो है ये कंजनाइटल एनोमली के रूप में होता है, 1 से 2% केसेस के अंदर होता है, और जनरली क्या होता है कि एक आर्टरी डेवलप होने में फेल हो जाती है या उसमें एट्रोफी हो जाती है जो कि लेटर मंथ्स में होती है। जनरली ये ट्विन्स यदि होते हैं उनके साथ कॉमन होती है, या फिर ऐसी मदर जिनके डायबिटीज मेलाइटस हो, एपिलेप्सी हो, या ओलिगोहाइड्रोमियाज हो, प्रीएक्लेम्सिया हो, एंटीपाइलर हेमरेज हुआ, तो उन बच्चों के उन माताओं के बच्चों के अंदर चांसेस ज़्यादा है इसके। जनरली ये क्या है कंजेनिटल माल फॉर्मेशन के साथ में अटैच रहते हैं, या तो वो रीनल के रूप में हो सकता है, जेनेटल एनोमली जो हो सकती है, या ट्राइसोमी 18। जनरली जो बच्चों के अंदर जो 3 प्रकार की ट्राइसोमी पाई जाती है उसमें से ये है पटाऊ है, एडवर्ड्स है और डाउन सिंड्रोम है, तो उनमें से ये एडवर्ड्स में है जो है इसमें ट्राइसोमी 18 के अंदर ये मिल जाता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिटल एन्यूप्लियोइडी के अंदर यानी उसका जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो चेंज हो सकते हैं, प्री मेच्योरिटी आ सकती है, इंट्रायूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यानपूर्वक इसके नोट्स बनाएं, ऑल द बेस्ट। पर उससे पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक जो है दूसरों के साथ में शेयर करें, अपने नोट्स जो है वो रेगुलरली बनाते रहे, आपके कमेंट्स और सजेशंस दोनों का वेलकम है। अपने नोट्स बनाकर तुरंत 9461005940 भेजें, अपना नाम नोट्स के अंदर जरूर लिखा हुआ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सभी का।